Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is combination of the capacitor. Okay, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि भाई हमने आगे क्या देखा था कि भाई हमने अगले के वीडियो में देखा था कि भाई कैपेसिटर व्हाट इज मीन्स बाय द कैपेसिटर. द कैपेसिटर इज अ वन टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज द स्टोरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड देन आप हमने वो भी फाइंड आउट किया था कि वो कैपेसिटेंस की एक लिमिट होती है और लिमिट हमने कैसे डिवाइड की थी कि भाई सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी वाला इक्वेशन से. देन आप हमने देखा था कि भाई उसका यूनिट होता है भाई फेराडे, एंड दिस प्रैक्टिकल यूनिट इज माइक्रो फेराडे एंड पिको फेराडे. ठीक है, ओके. देन आफ्टर हमने ये भी देखा था कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मीनिंग होता है, इसमें दो कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में होती है. ठीक है, इसमें से आप कोई भी वन प्लेट को चार्ज देंगे, वो चार्ज आपका कैपेसिटर का चार्ज कहलाएगा, कहलाया. और उसका इक्वेशन हमको मिला था कि भाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. देन अपने हमने उसकी एनर्जी फाइंड आउट की थी कि भाई हमारे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी भी हमने डिराइव की थी और उसका यूनिट हमने फाइंड आउट किया था कि भाई यू इज इक्वल टू वन आप सी वी स्क्वेयर, चलाया. ओके, तो वो इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम अभी देखने वाले कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर ए टू टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन आफ्टर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाला है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, आप मान लीजिए कि भाई आपके पास एक थ्री कैपेसिटर अवेलेबल है, C1, C2 एंड C3. ठीक है, तो C1, C2 और C3 को आपको ऐसे कनेक्शन करना है कि भाई जैसे कि पहले आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिया, एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड कर दिया. ठीक है, वो कैपेसिटर को एक दूसरा कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड करना है, वो दूसरे के साथ तीसरा को, और तीसरे को आपको एक बैटरी में डायरेक्ट कनेक्शन दे देना है. ऐसा करने से आपका जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो इक्विवेलेंट आपका मीन्स के इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो आपको फाइंड आउट करना है. देन आफ्टर आपको तीनों तीन कैपेसिटर एक पैरेलल में कनेक्शन करना है. तो पैरेलल कनेक्शन करने से क्या होने वाला है कि भाई पैरेलल कनेक्शन हम कैसे करें कि भाई तीनों तीन कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल आपको एक बैटरी के साथ के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर देना है. देन आफ्टर तीनों तीन का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड करना है. ऐसा करने से आपका जो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट कैसा आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. मीन्स के आपका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर आपको मिलता है वो इंक्रीज मिलता है या डिक्रीज मिलता है. ठीक है, देन आफ्टर वो जो कैपेसिटर का चार्ज होता है वो एक कैसे डिवाइड होता है वो आपको फिर हमें ना यहाँ पे समझना है. देन आफ्टर उसका मैं बहुत सारा मैं आपको एक न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कि जिसके कारण आपको कोई भी न्यूमेरिकल दी जाए कि भाई सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई एक कैपेसिटर आपका एक सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है और ए वाला कैपेसिटर आपका एक पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है. ठीक है, और एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे भाई, इसमें हमको सीरीज और पैरेलल दोनों दिए होंगे और उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे वो सभी सारा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, ओके. टुडे आवर टॉपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर दी शो द सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको बोलते हैं कि देखिए कि मेरे पास यहाँ पे थ्री कैपेसिटर है. कैपेसिटर का सिंबल ए, दो प्लेट ऐसी आती है. ठीक है, ओके, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और ये तीनों तीन को ऐसे मैंने बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड कर दिया. बैटरी का सिंबल ऐसे आता है, इसमें आपको एक लेंथ ज़्यादा ड्रॉ, उसकी लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है और दूसरी वाली लेंथ की लेंथ आपको कम रखनी है. उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज अ बैटरी. एटले मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में भी लिख देता हूँ. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कैपेसिटर C1, दिस इज अ C2 एंड दिस इज अ 3. दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. आपको मालूम कैसे पड़ेगा भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखिए कि भाई ये जो हमारा बैटरी है तो बैटरी में से पॉजिटिव टर्मिनल में से हमारा चार्ज आता है ऐसे. ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में गया हमारा चार्ज, मीन्स का आप मान लीजिए कि भाई यहाँ से आपका चार्ज गया है क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज आपको एक C1 कैपेसिटर को यहाँ पे मिला, आपको यहाँ पे एक C1 कैपेसिटर को आपको चार्ज यहाँ पे मिला क्यू चार्ज, क्यू पॉजिटिव चार्ज आपको मिला. ठीक है, ओके, तो उसका यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. क्यों नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होने वाली है, इंडक्शन प्रोसेस होने वाली है. ठीक है, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज आपको मिल गया. देखिए कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे ही दिया हुआ है,
बट अब C2 कैपेसिटर को आप डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो C2 कैपेसिटर क्या है भाई? C2 कैपेसिटर यहाँ से आपको एक जंप करना पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ से एक जंप किया, एक ऐसी एक प्लेट है, ये दोनों एक ऐसी एक प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई C1 का नेगेटिव C2 का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन में है, C1 का नेगेटिव C2 का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन में है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो C2 का नेगेटिव देखिए वापस और C3 का पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ का नेगेटिव चार्ज C3 के साथ ही कनेक्टेड है, बट वो एक C2 और C1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। ख्याल आया? यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ये ओनली फॉर C1 के साथ ही कनेक्टेड है, ये C2 और C3 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई ये तीनों तीन कैपेसिटर को आप इंडिविजुअली बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं किए हुए हैं, इंडिविजुअली बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं किए हुए हैं, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होगा भाई? चेंज। चलाया? आपने उसको बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किए हुए है, पहले आपने मिस के एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को एक C1 कैपेसिटर के पॉजिटिव को टर्मिनल को कनेक्टेड किया हुआ है। तो क्या होगा देखिए कि भाई यहाँ से आपको ये बैटरी का जो पावर होता है वो बैटरी का पावर पहले C1 में जाएगा, देन आप C1 यूज़ कर लेगा और C2 में जाएगा, देन आप C2 यूज़ कर लेगा, देन आप लास्ट में C3 को जाएगा। ख्याल आया आपको? ओके। तो आप मानिए कि भाई टोटल पोटेंशियल सपोज के है आपका 20, टोटल पोटेंशियल आपका है 20, तो फर्स्ट ऑफ ऑल C1 की रिक्वायरमेंट थी आप मान लीजिए कि भाई 10, तो C1 की रिक्वायरमेंट 10 थी तो उसने 10 को यूज़ कर लिया, देन आप C2 की रिक्वायरमेंट थी 8 तो उसने 8 यूज़ कर लिया, देन आप मीन्स के आपका 10 और 8 એટલે 18, તેના આપણે C3 માં ઓનલી ફોર 2E પોટેન્શિયલ જાયગા, એસે આપકા પોટેન્શિયલ યહાં પે ડિવાઇડ હોને વાલા હે, ક્યા ડિવાઇડ હોને વાલા હે આપકા પોટેન્શિયલ, બટ આપકા ચાર્જ નહીં ડિવાઇડ હોને વાલા હે, ઠીક હે। યહાં પે આપ દેખીએ કે ભાઈ યહાં પે કોઈ જંકશન પોઈન્ટ નહીં હે, મે યહાં પે જંકશન પોઈન્ટ શો કરના ચાહતા હું, વોટ ઇઝ મીનિંગ ઓફ જંકશન પોઈન્ટ, મીન્સ કે આપ એસા કોઈ એક પોઈન્ટ કે જહાં પે 3 ટર્મિનલ હો, એસે 3 પાથ હો, ઠીક હે। तो ये आप देखिए कि भाई ऐसा कोई आपके पास यहाँ पे पॉइंट अवेलेबल है, नहीं पॉइंट अवेलेबल है, तो ए पॉइंट पे क्या होगा देखिए कि भाई ए पॉइंट पे अगर यहाँ से कोई चार्ज आता है, आपने यहाँ से बैटरी को कनेक्ट किया, अगर आपका चार्ज यहाँ से जाता है तो आपका चार्ज ए से डिवाइड हो जाएगा ए वाली पाथ में और ए वाली पाथ में, तो ऐसा यहाँ पे कोई जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है, अगर जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे C1 C2 और C3 पे आपका चार्ज सेम रहेगा, बट क्या चेंज नहीं होगा, मीन्स के आपका पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा वो आपको मालूम पड़ा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने डायरेक्ट C1 के साथ ही कनेक्टेड किया हुआ है, C2 और C3 के साथ कनेक्टेड नहीं किया हुआ है, इसलिए आपका पोटेंशियल यहाँ पे मीन्स के चेंज होगा। चलाया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या फाइन आउट हुई, चार्ज इज सेम, C1 C2 और C3 का तीनों तीन का चार्ज सेम होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई चार्ज इज सेम ऑन एवरी कैपेसिटर, इन सीरीज कनेक्शन, आपने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन किया हुआ है, तो इन सीरीज कनेक्शन, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, बट आपका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट, ओके। ये तीनों दिन का पोटेंशियल का आप अगर आप एडिशन करोगे तो वो तीनों दिन का पोटेंशियल कितना मिलने वाला है, जितना आपने बैटरी के साथ सप्लाई किया हुआ है, तो टोटल पोटेंशियल आपका क्या हुआ भाई वी। तो मैं यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, जो मिस का डिफरेंट है, जो मिस का आपका डिवाइड हो रहा है, उसको मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा, वी इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल आप मान लीजिए कि भाई V1 है, उसका है V2 और उसका है V3। तो यहाँ पे क्या आएगा, तीनों तीन का आप एडिशन कर लोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, वो आपका कितना आपने सप्लाई किया हुआ है, आपने सप्लाई टोटल V किया हुआ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन V1 में V2 और V3 ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या याद रखनी है कि भाई इसमें आपकी सेम वैल्यू कौन सी है कि भाई चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई चार्ज के साथ मैं डिवाइडेड करता हूँ ये वाली इक्वेशन को, ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन मिली वो फर्स्ट इक्वेशन को मैं चार्ज के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चार्ज के साथ डिवाइड करता हूँ ऐसे, V1 अपॉन क्यू, V2 अपॉन क्यू एंड V3 अपॉन क्यू। चल आया आपको? ओके, तो V अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई क्यू इज इक्वल टू C × V अवेलेबल है, तो आपको क्या यहाँ पे करना है, V अपॉन क्यू करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्यू ऐसे में ला दूंगा कि भाई यहाँ पे हो जाएगा 1 CV अपॉन हो जाएगा भाई क्यू,
बट ए सी आपको सामने के साइड ले जाना पड़ेगा, तो 1/c = v/q ऐसा आपको यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। तो v/q = आप क्या लिख सकते हो, 1/c, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी इक्विवेलेंट, ये आपका फाइंड आउट हो रहा है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जो आपको फाइंड आउट हुआ इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 2 इज सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वो फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, वो क्या फाइंड आउट हुआ है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ख्याल आया आपको, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है। अगर आप मानिए कि भाई ये जो आपका दो कैपेसिटर की वैल्यू आप मान लीजिए कि भाई 2 अवेलेबल है, आपके पास दो कैपेसिटर है, देखिए कि भाई ये आपको क्या बताती है कि भाई आपके पास दो कैपेसिटर है, ऐसा आपके पास दो कैपेसिटर है और उसको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया है, वी बैटरी के साथ आपने कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम है, कैपेसिटर की दोनों की वैल्यू सेम है, 2 फेराड़े। ठीक है, C1 की वैल्यू भी यही है और C2 की वैल्यू भी यही है, तो आपको क्या फाइंड करना है उसका इक्विवेलेंट। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा कि भाई C = 1/C1 + 1/C2, ऐसा आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखें कि भाई पहले आप क्या कंसीडर कर लोगे, LCM कंसीडर कर लोगे, LCM तो हमारे यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या LCM आएगा, C1 + C2 / C1 × C2, और उसका आपको इन्वर्स करना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो C = C1 × C2 / C1 + C2, चलाइए आपको। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है कि भाई C = (MC)/(ADD)। अगर आपका दो कैपेसिटर, अगर आपको दो ही कैपेसिटर दिया हुआ है, वो दो कैपेसिटर आपका एक सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट का इक्वेशन आप डायरेक्ट ये वाला याद रख सकते हो, क्या कर देना है डायरेक्ट, उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इस दोनों का एडिशन। और अभी मैं एक आपको दूसरी बात मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए कि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, अगर आपको दो कैपेसिटर एक सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो उसका इक्विवेलेंट आपको हाफ मिलेगा। उसका इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, वो भी आपको एक मेथड याद रखनी है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं C1 और C2 की मैं वैल्यू पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे 2 और 2 इसकी वैल्यू है। ओके, तो 2 और 2 उसकी वैल्यू है, तो उसका इक्विवेलेंट आपको मिलने वाला है भाई 1। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर आपके पास 2 कैपेसिटर अवेलेबल है और दोनों की वैल्यू सेम है और अगर आपने सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट होता है भाई हाफ। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए कि भाई C1 × C2, एटले आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2 × 2 = 4, और आपको यहाँ पे 2 + 2 = 4, तो आपका इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट हुआ, 1, आपका इक्विवेलेंट फाइंड आउट हुआ 1। और आप देखिए कि भाई आपका इक्विवेलेंट 1 मिल रहा है, पर 1 इक्विवेलेंट इन दोनों कैपेसिटर की वैल्यू से क्या आपका आंसर आ रहा है भाई, कम आंसर आ रहा है। तो आपको दूसरा भी क्या याद रखना है कि भाई अगर आपके पास n जितना कैपेसिटर है, C1, C2, C3 और Cn कैपेसिटर है, ऐसा कैपेसिटर को आपको सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो इक्विवेलेंट की वैल्यू आपका मीन्स के n कैपेसिटर में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, इससे भी स्मॉलेस्ट आएगा। चलाइए आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप मान लीजिए कि आपको C1 = 1 दिया हुआ है, C2 = 2 दिया हुआ है, C3 = 3 दिया हुआ है, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है कैपेसिटर की, C1 की वैल्यू है, तो आप उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करोगे। ये तीनों दिन को आपको कनेक्शन करना है भाई ऐसे सीरीज में, ऐसे आपको सीरीज में कनेक्शन करना है, तो आप तीनों दिन का सीरीज का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करोगे ना, तो इक्विवेलेंट 1 से भी कम आएगा। चलाया, वो आपको याद रखना है कैसे 1 से कम आएगा, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए C = आपको क्या लिखना है भाई, 1/C1, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/2 + 1/3 ऐसा वैल्यू आई। देन आफ्टर देखिए कि भाई 1/इक्विवेलेंट, यहाँ पे LCM क्या होगा भाई 6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 + यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2, सो दैट 11/6, दिस इज द 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, 6/11 की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वो वैल्यू आपकी एक फ्रैक्शन में फाइंड आउट होगी, पॉइंट में आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, 0.48 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, तो आप देख सकते हो ये जो आपकी वैल्यू आई है वो एक 1 से कम है। तो आपको एक दूसरा भी क्या याद रखना है कि भाई आपके पास मीन्स के जितना भी कैपेसिटर हो,
उसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है और आपने उसको एक सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो उसका जो इक्विवेलेंट फाइंड आउट होगा वो इक्विवेलेंट आपने जो सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है इसमें से किसी की जिसकी भी वैल्यू कम होगी उससे भी आपका इक्विवेलेंट स्मॉलेस्ट मिलने वाला है। चलाया जो जो कैपेसिटर की वैल्यू स्मॉल होगी उससे भी आपका इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉलेस्ट मिलने वाली है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई अगर आप सीरीज में कनेक्शन करना चाहते हो तो आपका इक्विवेलेंट मीन्स का आपका कैपेसिटर का जो आंसर आएगा वो आंसर आपका डिक्रीज होता है। चलाया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसका दो था उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उसको आपने सीरीज में कनेक्शन कर दिया बट उसकी इक्विवेलेंट क्या मिली आपको 1। इसको उसका क्या मीनिंग हुआ वो कैपेसिटर की वैल्यू डिक्रीज कर देगा, वो कैपेसिटर की वैल्यू क्या कर देगा भाई डिक्रीज। यहाँ पे भी कैपेसिटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई 0.48 हो गई। ख्याल आया आपको? ओके, तो तीनों तीन को मिस का आपने एक सीरीज में कनेक्शन करते हो तो उसका जो इक्विवेलेंट आता है वो इक्विवेलेंट आपका तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे भी आपका कम मिलने वाला है, तो हम उसको बोलते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है ओनली फॉर कि भाई आपको यहाँ पे याद रखने के भाई यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। चार्ज इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। जो डिफरेंट होगा उसको आपको पहले लिख देना है और सेम है उसको आपको डिवाइडेड कर देना है। तो ऐसे आपने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया, ठीक है, ओके। दूसरा आपको देखना है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किसको बोलते हैं भाई, ये तीनों तीन कैपेसिटर को हमको एक डायरेक्ट बैटरी के साथ कर देना कनेक्टेड कर देना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ऐसे आपको C1, C2 और C3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। ओके, ये आपकी एक बैटरी है भाई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से मैं आपका चार्ज आएगा। ओके, ऐसे आपका चार्ज आता है और यहाँ पे देखिए ए वाला पॉइंट पे, देन आफ्टर ए वाला पॉइंट पे देखिए तो ए पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ए पॉइंट को हम बोल सकते हैं भाई जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट का क्या मीनिंग था कि भाई ए वाला पॉइंट के वहाँ पे एक दो टर्मिनल से ज़्यादा आपको टर्मिनल मिल सकते हैं कि भाई ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना टर्मिनल मिल रहा है आपको, A1 और A2, तो उसको हम जंक्शन पॉइंट नहीं बोल सकते, उसको भी हम जंक्शन पॉइंट नहीं बोल सकते, उसको भी हम जंक्शन पॉइंट नहीं बोल सकते, ठीक है, उसको भी हम जंक्शन पॉइंट नहीं बोल सकते। बट ए वाला पॉइंट पे आप देख सकते हो कितना टर्मिनल मिल रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई जंक्शन पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई 3 टर्मिनल हो उसको ही हम जंक्शन पॉइंट बोले, दो से ज़्यादा टर्मिनल मीन्स के कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दो से ज़्यादा टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक पॉजिटिव प्लेट में से आपका चार्ज आएगा, तो यहाँ से जंक्शन पॉइंट में से आपका चार्ज डिवाइडेड हो जाएगा। कैसे डिवाइडेड हो जाएगा कि भाई यहाँ से आपका चार्ज आएगा Q1, यहाँ से आपका चार्ज आएगा Q2, यहाँ से आपका चार्ज आएगा Q3, ठीक है, ओके। तो ए आपकी प्लेट बन गई पॉजिटिव, ए भी बन गई पॉजिटिव, ए भी बन गई पॉजिटिव। देखिए कि भाई ये पॉजिटिव में से चार्ज गया और ए C2 में आ गया, ध्यान आप ये पॉजिटिव में से चार्ज गया और एक C1 में आ गया और एक पॉजिटिव में से चार्ज गया और एक C3 में आ गया। तो इसमें आपको क्या मालूम पड़ता है कि भाई तीनों तीन कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट अल्टरनेटली वो किसके साथ कनेक्टेड है भाई, बैटरी के पॉजिटिव के प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या सेम होने वाला है आपको आप मालूम हो गया होगा, यहाँ पे आपका सेम होने वाला है भाई पोटेंशियल। देखिए कि भाई इसकी भी पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव, ये तीनों तीन के पॉजिटिव आपकी अल्टरनेटली एक बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, एक पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। इसमें आपका पोटेंशियल सेम होता है, क्या सेम होता है पोटेंशियल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई तीनों तीन का जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल अल्टरनेटली आपका एक बैटरी के पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई तीनों तीन का पोटेंशियल तो सेम है बट उसका चार्ज क्या होगा भाई डिवाइड, क्यों चार्ज डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है। वैसे बैटरी का नेगेटिव भी देख सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा और एक C2 में आपको मिलता है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया, ऐसे ऐसे आपको एक यहाँ पे C3 में भी मिलेगा, ऐसे आपका चार्ज आता है और ऐसे आपको एक C1 में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई चार्ज इज डिवाइड, बट पोटेंशियल इज रिमेन सेम। यहाँ पे पोटेंशियल उसका सेम रहता है, ख्याल आया,
ओके, तो उसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे भाई? हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा है ना, जो आपका डिवाइड होगा वो आपको पहले उसको लिखना है कि भाई उसका टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज उसका क्यू होगा, तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री आप लिख सकते हो। देन आप कौन सी वैल्यू से हमें पोटेंशियल, तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई वी एंड डिवाइड बाई वी। देन आप आपका इक्वेशन क्या है भाई कैपेसिटर के लिए, क्यू इज इक्वल टू सी वी आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें मैं वी को पहली साइड ले जाता हूँ, तो क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू सी, तो ऐसा आपको यहाँ पे फाइन आउट होगा कि भाई क्यू क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू आप सी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई सी, तो सी इज इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री आपको मिलेगा। चल आया, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। तो ये आपका जो इक्विवेलेंट फाइन आउट हुआ है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको फाइन आउट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई इसमें आपको डायरेक्ट एडिशन ही करना है, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट एडिशन करना है। ख्याल है आपको, आप मान लीजिए कि भाई तीनों तीन कैपेसिटर की वैल्यू सी वन इज इक्वल टू वन, सी टू इज इक्वल टू टू और सी थ्री इज इक्वल टू आपको थ्री दी हुई है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या फाइन आउट होगा, उसका इक्विवेलेंट फाइन आउट होगा वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो भाई सिक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये तीनों तीन कैपेसिटर की जो बिगेस्ट वैल्यू थी, बिगेस्ट वैल्यू कितनी थी भाई थ्री, तो इससे भी ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट मिलने वाला है, उसके भी ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट मिल के आपको सिक्स मिला। और अगले वाले में क्या था कि भाई तीनों तीन कैपेसिटर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उससे भी कम आपको सी इक्विवेलेंट मिला था, किसमें भाई सीरीज़ में। तो सीरीज़ में आपका मिस के इक्विवेलेंट भाई डिक्रीज होता है और पैरेलल कनेक्शन में आपका इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है। ख्याल आया, अगर आप पैरेलल कनेक्शन करोगे तो आपका कैपेसिटर की रेंज मिस के इंक्रीज होगी, और अगर आपने सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट की रेंज आपकी डिक्रीज होगी, वो आपको याद रखना है। ख्याल आया। अच्छा, आप अभी ऐसा मान लीजिए कि भाई आपके पास एक मिस के सी कैपेसिटर, आपके पास एन कैपेसिटर है, सी टाइप का कैपेसिटर आपके एन, मिस के मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए कि भाई ऐसे ऐसे सी वन सी टू सी थ्री, और मैं यहाँ पे डैश डैश करते मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई सी एन कैपेसिटर। तो आपने सी एन कैपेसिटर एक पैरेलल कनेक्शन में किया हुआ है, सी एन कैपेसिटर आपने के पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है और सभी का कैपेसिटर की रेंज मिस के सी है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि भाई उसका इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट होगा कि भाई सभी की कैपेसिटर की वैल्यू सी है, मिस के सेम है, सभी की कैपेसिटर की वैल्यू सेम है सी। ऐसा कितना आपके पास कैपेसिटर है भाई, एन कैपेसिटर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा एन, तो ए आपका फाइन आउट हो गया सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन सी। ऐसा आपको सीरीज में फाइन आउट करना है, तो सीरीज में आप कैसे फाइन आउट करेंगे, देखिए कि भाई आपके पास एन जितना कैपेसिटर है, आपके पास एन जितना कैपेसिटर है और एन कैपेसिटर की वैल्यू मिस के सभी कैपेसिटर की वैल्यू सी है, और आप उसको चाहते हो कि भाई उसका सीरीज कनेक्शन हो, तो आपका इक्विवेलेंट आपको मिलेगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी अपॉन एन। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, सी अपॉन एन। ए इक्वेशन में ए वाले केस में मैं यूज़ करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कितना कैपेसिटर है भाई दो, और दोनों की वैल्यू कैसी है भाई सेम, तो ए वाला इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको सी इज इक्वल टू क्या लिख देना है टू, सी इज इक्वल टू आपको लिख देना है टू, और कितना मीन्स के आपका कैपेसिटर आपको कितना दिया हुआ है टू, तो डिवाइड बाई टू, तो टू अपॉन टू इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आने वाला है भाई वन, तो आपका वन आंसर यहाँ पे आ गया। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ए वाला इक्वेशन आप कब यूज़ करोगे, जब आपको सेम कैपेसिटर दिया हुआ होगा, सेम कैपेसिटर, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम जब होती है तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। ए वाला इक्वेशन को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों तीन कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हुए, वन टू और थ्री है, ठीक है, बट यहाँ पे तीनों तीन की वैल्यू सेम होगी, मीन्स के उसकी भी वैल्यू थ्री, उसकी भी वैल्यू थ्री और उसकी भी वैल्यू थ्री, तो आप यहाँ पे सी जी कस्टू थ्री लिख सकते हो और डिवाइड में आप थ्री लिख सकते हो, क्योंकि एन क्या होता है भाई नंबर ऑफ द कैपेसिटर, नंबर ऑफ द कैपेसिटर यहाँ पे कितना है भाई थ्री, तो ए वाला इक्वेशन आप तब यूज़ कर सकते हो। चला है आपको, ओके, तो ए आपका है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या याद रखना था, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ए याद रखना था कि भाई आपका जो कैपेसिटर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे भी कम वैल्यू आपको एक इक्विवेलेंट से मिलेगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या याद रखनी है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ए याद रखनी है कि भाई आपका कैपेसिटर में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उससे भी आपकी वैल्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू लार्ज फाइंड आउट होगी। चला ये भी इक्वेशन किसका है, किसके लिए है भाई, ये इक्वेशन आपका एक सेम कैपेसिटर के लिए है, मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए, तो ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। ओके,
तो ये हमारा हो गया भाई पैरेलल कनेक्शन और एक सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में आपको क्या याद रखना है कि भाई सीरीज कनेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिवाइड होता है और चार्ज इज रिमेन सेम। देन आफ्टर आपको एक पैरेलल कनेक्शन में क्या याद रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा एक जंक्शन पॉइंट आता है इसलिए हमारा चार्ज डिवाइड होता है बट पोटेंशियल इज रिमेन सेम। पैरेलल कनेक्शन मीन्स के आपका जो कैपेसिटर तीनों कैपेसिटर है वो तीनों कैपेसिटर ने आपने एक बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड किए हुए है। चला या बैटरी के साथ कैसे कनेक्टेड किए हुए है, डायरेक्ट कनेक्टेड कर दिए है, तो उसको हम बोल सकते हैं भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी आपको प्रैक्टिस करने के पास सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं और पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एक देता हूँ एक प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई आप मानिए कि आपका एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे एक C1, यहाँ पे एक C2 और यहाँ पे एक C3 अवेलेबल है और यहाँ पे आपका एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अवेलेबल है। तो आपने कह दिया कि भाई एक ऐसा कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, तो देखिए ये C1 है, ये C2 है और ये है C3। तो मैंने ऐसा कर दिया कि भाई यहाँ से कनेक्शन ऐसा कर दिया, देन आफ्टर यहाँ से कनेक्शन मैंने ऐसा कर दिया। अब बताएं अब आपका कैसा कनेक्शन है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है भाई, मैं अभी आपको मैं जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आपका पूरे का पूरा अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आपको क्या मानना है कि भाई दिस इज द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा आपको ड्रॉ नहीं किया होगा बैटरी। ठीक है, तो आपको ऐसा ही दिया होगा कि भाई दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो हमको स्टार्ट क्या करना है कि भाई कौन कौन सा कैपेसिटर सीरीज में और कौन कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। अगर ऐसा आपको कैसे मालूम पड़ेगा भाई कि ए वाला सीरीज में है और ए वाला आपका मीन्स के पैरेलल में कनेक्शन है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो जो कैपेसिटर मीन्स के डायरेक्ट आपका बैटरी के साथ कनेक्शन होगा उसको हम बोल सकते हैं भाई पैरेलल कनेक्शन। ऐसा हम कैसे चेक करेंगे, देखिए ए बैटरी का पॉजिटिव में से मीन्स के पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे ऐसे। ओके, तो ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मिल गई। ओके, ध्यान पर आप देखिए ए पॉजिटिव चार्ज ए वाली कनेक्शन में से ऐसे गए, ए वाली वायर में से ऐसे गए। ध्यान पर आप देख सकते हो कि भाई उसको भी पॉजिटिव मिल गया और उसको भी पॉजिटिव मिल गया, तो तीनों तीन को पॉजिटिव मिल गया। तो ध्यान पर हम क्या देखने वाला है भाई, नेगेटिव मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर भी उसको नेगेटिव मिल गया और ए कनेक्शन में से ऐसे गए और यहाँ पे भी नेगेटिव मिल गई और यहाँ पे भी नेगेटिव मिल गई। तो ऐसा कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, पैरेलल कनेक्शन। चला या आपको ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं बताना है कि भाई ये तीनों तीन कैसा है सीरीज में आपको दिख रहा होगा, बट वो अल्टरनेटली कैसा है भाई, एक पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है कैसे, क्योंकि उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल C1 को भी मिल रहा है, C2 को भी मिल रहा है, C3 को भी मिल रहा है और उसका नेगेटिव टर्मिनल भी आपको C3 को, C2 को और C1 को मिल रहा है। तो दिस कनेक्शन इज अ पैरेलल कनेक्शन। तो ए वाला कनेक्शन कैसे हुआ भाई, दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट क्या होता है आपको मालूम है, पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट आता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे आपका कैपेसिटर की रेंज इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके। देन अपने मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दो टर्मिनल आपने ऐसा कनेक्शन किया हुआ है। ये आपका ए और ए है बी, दिस कैपेसिटर इज C1 C2 एंड C3। अब बताइए कौन कौन सा इसका यहाँ पे कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे गया, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है, तो C1 को मिला बट C2 को मिला नहीं मिला, तो C1 और C2 क्या हो गया, C1 और C2 इट इज़ अ सीरीज कनेक्शन। और उसका जो इक्विवेलेंट हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट। तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई C12 इज इक्वल टू, ये दो ही कैपेसिटर है और दो ही कैपेसिटर की वैल्यू मीन्स के दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, एक की वैल्यू आपको C1 दिया रखी है, दूसरे की वैल्यू आपको C2 दिया रखी है। तो आपको क्या कौन सा रूल्स लगाना पड़ेगा भाई, C12 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन वाला, तो C1 × C2 अपॉन C1 + C2 आप लिख सकते हो। कैसे इक्वेशन आ गया आपको मालूम पड़ा कि भाई 1/C12 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन ऐसा होता है ना, 1/C1 + 1/C2 आप कर लीजिए कि उसका मिस का आप एलसीएम कीजिए, तो उसका इक्वेशन आपको ऐसे ही फाइंड आउट होगा। चला फाइंड आउट होगा ऐसे आपका C12। देन आफ्टर
उसका फाइंड आउट हो गया, आप मान लीजिए कि भाई C12, तो वो C12 और C3 ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल कनेक्शन, तो उसका किरण आपको क्या मिलने वाला है भाई C123 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो C12 प्लस C3, तो ऐसे आपको देख के टोटल इक्विवेलेंट फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, मिक्स कॉम्बिनेशन, हम इसको बोल सकते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके, देन फिर आप मैं दूसरा मैं आपको देता हूँ, आप देखिए। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भाई कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर मिल रहा है, ये वाली सर्किट में आपका कैपेसिटर कितना बन रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो देखिए यहाँ पे ये आपके हो गए भाई पॉजिटिव प्लेट, ये भी आपके हो गए पॉजिटिव प्लेट, ये भी आपके हो गए भाई पॉजिटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव है तो एक क्या हो गई नेगेटिव, ए भी क्या हो गई नेगेटिव, ए भी क्या हो गई नेगेटिव, ए भी क्या हो गई नेगेटिव, और ए क्या हो गई पॉजिटिव। तो कितना कैपेसिटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, वन पॉजिटिव प्लेट एंड वन नेगेटिव प्लेट, तो दिस कैपेसिटर इज अ C1, दिस कैपेसिटर इज C2, दिस इज अ C3, C4, C5, C6 और C7, कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे मिल रहा है C7, आपको 7 कैपेसिटर आपको मिल रहा है, और ये 7 कैपेसिटर कैसे कनेक्शन किए हुए हैं, क्या भाई सीरीज में है, पैरेलल में है या मिक्स कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो क्या भाई C1 को बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है, मिल रहा है, C2 को मिल रहा है, मिल रहा है, C3 को मिल रहा है, मिल रहा है, C4 को मिल रहा है, मिल रहा है, C5 को भी मिल रहा है, C6 को भी मिल रहा है और C7 को भी मिल रहा है। तो 7 कैपेसिटर आपका जो यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है वो 7 कैपेसिटर आपका एक पैरेलल कम्बिनेशन में मिस के यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिलने वाला है कि भाई उसका इक्विवेलेंट आपको मिलने वाला है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 एंड प्लस C7। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसा भी दिया होगा, ऐसे आपको एक प्लेट ही दी होगी और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कितना कैपेसिटी मिल रहा है, तो ऐसा भी जरूरी है कि आपको यहाँ पे गैपिंग आपको फाइंड आउट करना, गैपिंग ही आपको देखना, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे एक दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा तो ऐसे आपको ख्याल नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए कि भाई ये हमारा एक मिस के एक बैटरी का टर्मिनल है और दिस इज अ बी, बी इज नेगेटिव, ए इज अ पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना कैपेसिटर मिल रहा है देखिए। तो आपने जो गैपिंग देख के आपने ऐसा बता दिया ना, आपको यहाँ पर रटा तो मानना ही नहीं है। अगर आपको ने जो गैपिंग देख लिया कि भाई गैपिंग आपको मिल रहा है 1, 2 एंड 3, तो आपका यहाँ पे कैपेसिटर है 3, तो आपका आंसर आएगा रॉन्ग। कैसे रॉन्ग आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या भाई पॉजिटिव प्लेट है, ये भी आपकी एक पॉजिटिव प्लेट है और ए वाली आपकी नेगेटिव प्लेट है, ए वाली आपकी नेगेटिव प्लेट है, तो आपका कैपेसिटर आप किसको बोलेंगे भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट को। तो यहाँ पे कैपेसिटर मिल रहा है C1, यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव है नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला भाई C2, तो यहाँ पे कितना कैपेसिटर अवेलेबल है 2, और दोनों कैपेसिटर आपको कैसे कनेक्शन किए हुए है, सीरीज या पैरेलल, के भाई पैरेलल क्यों, क्योंकि C1 को भी पॉजिटिव मिल रहा है और C2 को भी पॉजिटिव मिल रहा है, ये दोनों आपका पैरेलल कनेक्शन हुए है। चला है आपको, तो आपको ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि भाई C1 और C2 आपका मिस के यहाँ पे कितना कैपेसिटी मिलने वाला है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई 2 मिलेगा 3 मिलेगा, आपको ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके।